जैसा कि आपको पता है सुबह का मौसम है, काफी ठंड हो रही, कोहरा भी लगा है यहाँ। तो आप जान सकते हैं यहाँ से क्यों इतना अट्रैक्टिव प्लेस है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हाँ इसके नीचे पूरी नदी है, पूरा नदी के ऊपर लगा है। काफी कोहरा लग गया है। ये जो है हम क्या कहते हैं हनुमान गाड़ी मंदिर से आगे को चल रहे हैं, पारा पुल के पास पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम अल्मोड़ा के बॉर्डर पर आ चुके हैं। कुछ देर बाद बॉर्डर पूरा कवर हो जाएगा अल्मोड़ा का। थोड़ा अंदर से चला दें तो देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से हम आते हैं एक रास्ता पौना को चले जाता है, दूसरा हल्द्वानी को। तो हम हल्द्वानी वाले रास्ते पर चलेंगे। सावधानी टांग पकड़ने वाले होते हैं। मैं ठीक भी मारता हूँ इन कुत्तों को, मेरा जूता उनके मुंह पे अटक जाएगा। जैसा कि हमने बताया आज ठंड बहुत है, तो मेरी तो कुर्ती अब चुकी है नाक के साथ और अगलिया भी निकल भी चुकी है। रेस्टोरेंट वगैरह कब खुलेंगे, बड़ा टाइम हो चुका है अभी तक तो कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं है। और आज के लिए यहाँ पे दीवार बहुत गिर रही है, तो जरा संभाल के चलिएगा, क्योंकि कुमाऊं में सिर्फ एक मेन यही चीज़ है कि इसके जो लैंड होते हैं वो स्लाइड होते रहते हैं रोड साइड के खास कर। ये देखिए कितने स्लाइड हो रहे हैं, पत्थर ही पत्थर गिरे हैं, वो भी इतने छोटे छोटे से जिसका हाइट भी नहीं है फिर भी गिरे हैं। ये देखिए और हम पहुँच चुके हैं। तो एक यहाँ पे वाटरफॉल है जिसका नाम है धुमकाना। धुमकाना एरिया में एक वाटरफॉल आता है जो यहाँ से लेफ्ट जाके 3 किलोमीटर दूर है। तो कभी आप आते हैं तो बहुत अच्छा इलाका है टूरिज्म के लिए। वहाँ पे हल्का सा आपको चार्ज लगेगा 100 रुपीज़।
नेत्री विभाग कहा लास्ट तो लिफ्ट में काफ़ी भीड़ होने के कारण हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, एक मरीज को यहाँ से जाना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात है। वाह नाइस ग्राउंड, वो नदी अच्छा नदी है पूरी सही है, छोटी लग रही है ऐसे चौथे फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। ये नया नया ऐसा लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है बट सर्विस काफ़ी बेकार है। देखिए वहाँ से आए हैं चलना भी मत कह रहा है।